हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की। भोपाल में सुभाष नगर विश्राम घाट समिति की अनूठी पहल, अस्थियों की विसर्जन यात्रा निकालेगी समिति, 57 अस्थियों को करेगी विसर्जन। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी, मौसम वैज्ञानिकों ने भारी बारिश की दी चेतावनी, हरदा जिले में येलो अलर्ट किया जाए। भोजपुरी फिल्म अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन भोपाल पहुंचे। यहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन चाय की दुकान से शुरू हुआ था, तो इसीलिए आज भोपाल की सबसे प्रसिद्ध चाय की दुकान पर मोदी जी के मन की बात सुनी है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सोच हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ रही है, हम उनके साथ कितनी भी मित्रता की बात कर लें, लेकिन पॉसिबल नहीं है। इस दौरान रवि किशन ने यह भी बताया कि वह इन दिनों भोपाल में एक वेब सीरीज की शूटिंग के लिए आए हैं। रवि किशन की माने तो वे सांसद के साथ साथ हमेशा फिल्मों में भी जुड़े रहेंगे। सर, आज भोपाल में आप हैं, मन की बात आपने सुनी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जीवन चाय की दुकान से शुरू हुआ था, तो ये भोपाल की सबसे पॉपुलर चाय की दुकान है, तो हमने कहा क्यों ना सुबह उठ के यहीं पर पूरे देवतुल जनता के साथ मध्य प्रदेश भोपाल की, हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 5 दिन के दौरे पर अमेरिका में क्या डील की, क्या संधियां की, क्या लेके आ रहे हैं, क्या बिजनेस लेके आ रहे हैं, कितना रोजगार होगा वहां के, भारतीय मूल के करोड़ों लाखों लोग जो रह रहे हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं करके आए, वो सारी बातें थी। तो मैं चाह रहा था कि देवतुल जनता के साथ इसी चाय की टपरी पर इस बात को सुना जाए। बीती रात धार जिले के कुक्षी में चोरों ने एक कपड़े की दुकान को अपना निशाना बनाया है। यहां मेन रोड पर न्यू हकीमी रेडीमेड की दुकान पर चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दुकान मालिक के अनुसार तकरीबन 2.5 लाख के कपड़े और 50,000 रुपए नगद, यानी कुल मिलाकर 3 लाख के आसपास की चोरी की घटना घटित हुई है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर पर भी चोरों ने हाथ साफ किया है। अब पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की है। तो मेरे यहाँ पे साइड वाले गेट से चोर आए थे और गल्ले में से पैसे ले गए, जो हम डालते हैं सैयदना साहब के, उसमें वो पैसे लेके गए हैं। दो तीन गल्ले हैं हमारे खुद के, वो लेके गए हैं। मेरे पर्स में से लेके गए हैं, डीवीआर उठा के ले गए, और पीछे एक मेरा गोडाउन है वहाँ से बहुत ज़्यादा माल मेरा उठा के लेके गए हैं। क्या क्या माल में, क्या क्या माल में? जीन्स हैं, शर्टें हैं, टी शर्ट है, और वो यहाँ तक कि पेन पेन के भी गए हैं, और उनके कपड़े यहाँ छोड़ गए हैं, पेंट उनकी मिली है वो छोड़ के गए हैं। हाँ, कुछ हाथ लगे हैं कुछ? नहीं, अभी आज घटनास्थल का निरीक्षण किया, हुजेफा जी की दुकान में जो कपड़े की चोरी हुई है उसमें एक पेंट मिली है हमको, जो कि संबंधित आरोपी के द्वारा पहनी हुई है, और उसे पता कर रहे हैं कि कहाँ से ली गई है। बाकी अन्य कोई विशेष जानकारी अभी नहीं मिली है, और प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें पतारसी करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अभी कितने के अनुमान लग रहा है इस दुकान में? अब वो सूची बना के देंगे। कोरोना काल में कई लोगों ने अपनों को खोया है, कई परिजन तो ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन और जानकारी के अभाव में अब तक अपने पूर्वजों की अस्थि कलशों का संचय नहीं कर पाए। ऐसे में अभी अस्थियों के विसर्जन के लिए भोपाल की सुभाष नगर विश्राम घाट समिति ने एक अनूठी पहल शुरू की है। दरअसल समिति ने विश्राम घाट में रखी 57 अस्थियों की विसर्जन यात्रा निकालने का फैसला लिया है। सुभाष नगर विश्राम घाट समिति के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि दिवंगतों के परिजनों से अनुमति के बाद ही इन अस्थियों का विसर्जन किया जा रहा है। नर्मदा नदी में पूरे विधि विधान के साथ सभी अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। कोरोना काल दुनिया का एक आपातकाल था, दुनिया ने उसको भुगता है, और जो लोगों की मृत्यु हुई अकारण, उन सबको दाह संस्कार की व्यवस्था में भी बहुत परेशानी हुई। परिवारजनों को एक बड़ा विराट काम लग रहा था उस समय पर। विश्राम घाट में जो दाह संस्कार हुए
उसका अस्थि संचय नहीं हो पाया। समय ऐसा था आपातकाल का कि वो लोग नहीं गए। विश्राम घाट कमेटी ट्रस्ट ने सेवा समिति के माध्यम से ये बीड़ा उठाया कि जितने लोग का यहाँ पर अस्थि विसर्जन नहीं हो पाया है उन सबके अस्थि कलशों को विधिवत पूजा पाठ कर कर हवन यज्ञ कर कर उनको होशंगाबाद में नर्मदा में विसर्जित करने का निर्णय लिया। धार जिले के बाग क्षेत्र में अवैध जुआ सट्टे के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए बाग बस स्टैंड के पास बाईपास पर गोपाल राठौर नाम के व्यक्ति के मकान पर दबिश दी। इस कार्यवाही में पुलिस ने मौके से 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो सट्टा खेल रहे थे। पुलिस की माने तो आरोपियों के पास से 92,447 रुपए नगद, 4 ताश की गड्डी, 20 मोबाइल फोन्स और 7 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। वहीं 6,50,000 रुपए का मशरूका भी पकड़ा गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच पड़ताल अब भी जारी है। ये पुलिस अधीक्षक धार श्री आदित्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में कल SDP कार्यालय और कुक्षी थाने दोनों की टीम में संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बाग कस्बे में दबिश दी थी। बाईपास रोड में बस स्टैंड के आगे गोपाल राठौर और सयूम मुसलमान ये जुए सट्टे का संचालन कर रहे थे अवैध रूप से। मौके पर दबिश दे के 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहाँ से 7 मोटरसाइकिल और 20 मोबाइल भी जब्त हुए हैं और सट्टा एक जुए के तहत इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कुल 28 आरोपी हैं और कुल मशरूका मोबाइल मोटरसाइकिल कैश में ला के 6,50,000 समथिंग है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।